नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। सोशल मीडिया पर इस वक्त हार्दिक पांड्या को लेकर खबरें चल रही हैं कि भाई साहब हार्दिक पांड्या को विश्व कप में मत ले जाओ, हार्दिक पांड्या को विश्व कप में मत खिलाओ, हार्दिक पांड्या को की फॉर्म को देखते हुए, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें विश्व कप में ना ले जाओ, उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को ले जाओ। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। इरफान पठान की बयान जो है वो बड़ा चर्चा का विषय, उन्होंने बोला है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर है। उन्होंने अपनी टीम में भी, जो उन्होंने टीम बनाई है T20 विश्व कप की, उसमें भी इरफान पठान ने हार्दिक को रखा है। और भी तमाम खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी, जो हार्दिक पांड्या को T20 विश्व कप की अपनी टीम में नहीं रख रहे हैं। अब सवाल एक खड़ा होता है कि अगर हार्दिक नहीं तो कौन जाएगा? अगर हार्दिक नहीं जाएगा तो ऑलराउंडर के तौर पर, तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर कौन जाएगा? आखिर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बीसीसीआई किन किन ऑप्शंस को आजमा सकती है? ये इस पर एक चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है और क्या होना चाहिए, क्योंकि हार्दिक को लेकर इस वक्त चर्चा का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर हार्दिक की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर हार्दिक को लेकर लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम उन ट्रोलर्स के साथ नहीं है। हमारा मानना है कि अभी भी टीम इंडिया के पास हार्दिक जैसा ऑलराउंडर नहीं है, अभी भी टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी नहीं है जो उस तरीके की गेंदबाजी कर सके, उस तरीके की बल्लेबाजी कर सके, या फिर उस तरीके की मैच्योरिटी हो उस खिलाड़ी के अंदर जैसी मैच्योरिटी हार्दिक पांड्या के अंदर है, जो समझ मैच को जिताने की हार्दिक पांड्या के अंदर है। अब सवाल खड़े होते हैं, हार्दिक नहीं तो कौन जा सकते हैं, किस किस पर भरोसा जताया जा सकता है? तो सबसे पहले हार्दिक नहीं तो कौन में शिवम दुबे का नाम चर्चा का विषय है। गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी उसी तरीके की करते हैं, तेज गति के शॉट लगाना जानते हैं और इस वक्त फॉर्म में भी हैं, बेहतर तरीके की बल्लेबाजी कर भी रहे हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में आईपीएल से पहले जो घरेलू क्रिकेट हुआ था उसमें शिवम दुबे ने विकेट चटकाए थे, उससे पहले भारत की जो सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें भी शिवम दुबे ने विकेट चटकाए थे। तो शिवम दुबे दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है शिवम दुबे नो डाउट बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, हार्दिक से अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उनकी गेंदबाजी उस तरीके की नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें, रिलाय कर सकें कि हाँ शिवम दुबे आएंगे विकेट चटकाएंगे या रनों को रोक सके। शिवम दुबे की गेंदबाजी उस तरीके की नहीं है। आप शिवम दुबे को केवल बल्लेबाज के तौर पर तो खिला सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर आप शिवम दुबे पर भरोसा नहीं जता सकते हैं। शिवम दुबे उतने बेहतर गेंदबाज मुझे नहीं लगते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर। नो डाउट गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, एक वक्त में वेंकटेश अय्यर को देखा भी जा रहा था जब हार्दिक चोटिल थे कि हार्दिक की जगह वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के अंदर भी मुझे वो गेंदबाजी वाली ताकत नजर नहीं आती है, बल्लेबाजी में नो डाउट। सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग दिग्गज ये बोल रहे हैं कि हार्दिक को मत ले जाओ, भैया हार्दिक को नहीं ले जाएंगे तो किसको खिलाएंगे, किसको ले जाओगे आप विश्व कप में, किस ऑलराउंडर के साथ आप जाना चाहोगे? स्पिन ऑलराउंडर तो आपके पास हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, ऐसे कई तरीके के ऑलराउंडर हैं, लेकिन क्या एक तेज गति के ऑलराउंडर के बिना आप जा सकते हैं? अगर जो लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक को मत ले जाओ, तो क्या भाई साहब बिना तेज गति के ऑलराउंडर के साथ आप जा सकते हैं? कौन होगा वो आपका ऑलराउंडर जिसको आप ले जाना चाहेंगे? शिवम दुबे नो डाउट बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कर सकते, वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो भाई साहब कौन? कमेंट करके बताइएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक को मत ले जाओ, हार्दिक बेकार है, हार्दिक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार खिलाड़ियों के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।